हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर। दोस्तों, मुंबई में बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने के लिए हर शहर से लोग आते हैं और यहाँ पर जब रहने की उनकी व्यवस्था नहीं होती या प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी है, तो वो तीन तीन चार चार लोग इकट्ठे पीजी में रहने लगते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है दोस्तों, नए लोग होते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, नया शहर, नई इंडस्ट्री, नई सोच, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इसी दौरान उन्हें जो भी मिलता है उसी को वो अपना गुरु मान ले। मान लीजिए कि आप अपने शहर से आए या चार दोस्तों के साथ रहने लगे और उन चार दोस्तों से ही आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम हासिल करनी होती है, तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे क्या होता है, मुझे रास्ता बताओ। तो जो आपके साथ रह रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे एक साल सीनियर होते हैं या दो साल सीनियर होते हैं, कुछ छोटा मोटा काम भी किया होता है, तो आपको लगता है कि ये आदमी ने मुझसे ज़्यादा काम किया, मेरे से ज़्यादा समय से बॉम्बे में है, तो इनको ज़्यादा मालूम होगी, तो आप उसी को अपना गुरु मान लेते हैं और वो आपको राय देना शुरू करते हैं। और इसी दौरान अगर आपको कोई छोटा मोटा काम मिल जाता, मान लीजिए एक दिन का काम, एक सीन किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, तो आप अपने दोस्तों को जाके कहते हैं कि देखिए मुझे एक दिन का काम मिल गया, एक सीन है उसमें, ये है, दो सीन है, ऐसा है, तो वो लोग आपको मना करते हैं कि नहीं 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 नहीं, एक दिन का काम मत करना, देखो एक दिन का काम करोगे तो ठप्पा लग जाएगा तुम्हारे पास, छोटा काम करोगे तो लोग तुम्हें ऐसी रोल के लिए बुलाएंगे। और आप डर जाते हैं कि अगर मैं एक दिन का काम करूँगा तो मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, क्योंकि आप उन्हें गुरु मान चुके हो, तो उनकी बात पर अमल करना आपका फर्ज भी होता है। और दूसरा, आप इस बात से भी डरते हो कि अगर मैंने एक दिन का काम कर लिया या किसी फिल्म में या किसी सीरियल में एक दिन छोटा सा करेक्टर कर लिया तो मेरे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा, मेरे दोस्त लोग हंसेंगे कि देखो ये तो छोटे छोटे रोल करता है, एक दिन का काम करके आ गया। तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए वो एक दिन का काम छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, काम करना चाहिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप में टैलेंट होगा तो आप छोटे काम से बड़े एक्टर बन जाओगे, नहीं होगा तो बड़े करेक्टर करने के बाद भी आप छोटे आर्टिस्ट रह जाओगे, कोई ठप्पा नहीं करता दोस्तों, छोटे काम करने से, छोटे रोल करने से कोई ठप्पा नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत छोटे छोटे रोल करके पीछे, ऋतिक रोशन जैसे एक्टरों के पीछे डांस करके स्टार बन गए, शाहिद कपूर, नवाजुद्दीन, कितनी ही फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए नवाजुद्दीन ने, और छोटे छोटे रोल करते करते वो एक बड़े कलाकार बन गए, उनके ऊपर तो कोई ठप्पा नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती दौर में बहुत छोटे छोटे किए, अमिताभ बच्चन है, मिथुन चक्रवर्ती है, शक्ति कपूर है, गुलशन ग्रोवर है, राजेंद्र कुमार साहब है, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ऐसा हर दौर में होता है, पहले भी लोग छोटे छोटे रोल करके हीरो बने और आज भी हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था और आज नहीं होता। जब आप अपने जिसको आप गुरु मानते हैं उससे जब कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो देखिए ना छोटे छोटे रोल करके कितने लोग एक्टर, तो बोले वो पुराने ज़माने में होता था, आज के नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज भी होता है, अक्षय कुमार या किशोर राव, बहुत सारे लोगों का नाम मैं बता सकता हूँ जो छोटे छोटे रोल करके, एक एक सीन करके हीरो बने, स्टार बने और आज टॉप पर है। तो दोस्तों, आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम ऑफर हो तब करिए, हो सकता है वहीं से आपकी शुरुआत होने वाली हो। जब आप एक दिन का काम करेंगे, आप शूटिंग पे जाएंगे, लोगों से मुलाकात होगी, आप बेहतर काम करेंगे, आप अपना टैलेंट दिखाएंगे, मेहनत करेंगे, अपना व्यवहार दिखाएंगे, तो हो सकता है कोई आपके व्यवहार से प्रभावित होकर, कोई आपके टैलेंट से प्रभावित होकर आपको किसी अच्छी जगह मिलवा दे और आपका अच्छा काम बन जाए। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोड़िए मत, ज़रूर करिएगा। आप में दम होना चाहिए कि आप छोटे छोटे काम करके अक्षय कुमार की तरह, अपने नवाजुद्दीन की तरह बड़े काम करने लगे। अगर आप में दम नहीं होगा तो आप कितना भी बड़ा रोल कर लिए कुछ नहीं होगा, और अगर दम होगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मेरा एक्टिंग स्कूल है जहाँ पर मैं एक्टिंग सिखाता हूँ नए लोगों को, काफ़ी मेरे स्टूडेंट बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी फिल्म एक्टिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कलर्स एक्टिंग अकेडमी में आइए, हम आपको फिल्म ट्रेनिंग देंगे, फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग देंगे और साथ में आपका मार्गदर्शन करेंगे। मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरी कलर्स एक्टिंग अकेडमी का 9892266936। Bye.